नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी। ऐसा माना जाता है कि समाज सेवा का काम अक्सर बिजनेसमैन लोग करते हैं, लेकिन इस मिथक को तोड़ दिया है IAS मुकेश मेश्राम साहब ने, जो कि इस समय पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से पिछले 10 सालों से बालाघाट जिले में समाज सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। निर्बाध गति से यह काम आगे बढ़ रहा है। आज हम पहुंचे हुए हैं इसी कड़ी में बैहर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले मंडला जिले से सटे ग्राम खुई टोला में। आइए देखते हैं प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम यहाँ पर किस तरह से समाज सेवा की एक नई मिसाल पेश कर रही है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं की पीड़ा को समझकर पिछले 10 सालों से जिले के सुदूर वन ग्रामों में पहुंचकर निस्वार्थ भाव से गरीब और मुख्यधारा से वंचित आदिवासियों के बीच पहुंचकर सेवा कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रबुद्ध फाउंडेशन की टीम 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले के अंतिम छोर पर बसे वन ग्राम घुई टोला पहुंची। यह गांव मंडला जिले और बालाघाट जिले की सीमा पर बसा हुआ है। यहां बैगा जनजाति के साथ ही गोंड जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की गेट से होकर गढ़ी के रास्ते होकर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां पहुंचने के लिए मंडला जिले की सीमा तक तो पक्की सड़कें हैं, लेकिन बैहर विकास खंड की सीमा में बसे घुई टोला में प्रवेश करते ही पथरीली सड़क का सामना भी करना पड़ता है। प्रबुद्ध फाउंडेशन की टीम यहाँ पर जैसे ही पहुंची, ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया और अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार नृत्य करते हुए मुख्य अतिथि SK सिंह, क्षेत्र संचालक और फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, वरिष्ठ पत्रकार रफी अंसारी व अन्य अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके बाद संस्था की ओर से एक एक करते हुए अतिथियों के हस्ते बैगा आदिवासियों के बच्चों को स्कूल बैग और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए कंबल एवं महिलाओं को बर्तन का सेट प्रदान किया गया। संस्था की ओर से यहां पर करीब 205 लोगों को दैनिक उपयोग में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री प्रदान की गई। इसमें 25 नग ट्रैक सूट का वितरण भी आदिवासी युवाओं को किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परिवारों से संवाद स्थापित करते हुए प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की और लोगों के बुनियादी समस्याओं के निराकरण का भरोसा भी जताया। हम क्या करते हैं, ये राशि मिली हमने, मैं पूजा अनुष्ठान या रथ जगह जो भी करते हो आप, दुर्गा जी की प्रतिमा रख ली और इसकी रख ली उसकी रख ली, उसमें पूजा में हमने खर्च कर दिया। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जब अपना घर फूंक के कोई तमाशा देखना हो तो उससे अच्छा है कि पहले घर को बचाओ। तमाशा फिर बाद में होता रहेगा, जब हम सक्षम हो जाएंगे तो तमाशा और भी हो जाएगा। कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान, चाहे वो खुदा हो, चाहे जीसस हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, कोई अपनी संतान से बैर नहीं रखता। वो हमेशा अपनी जो संतानें हैं उनका भला चाहता है। अगर हम पूजा में उतना आडंबर नहीं करें, डीजे नहीं बजाएं, दारू नहीं पिए, बकरे नहीं काटें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर भगवान हमारे साथ है तो वो हमारी स्थितियों को जान रहा है, हम किस स्थिति में जी रहे हैं। अगर हम अपने पेट को काट के भगवान को खिलाने की बात करें तो भगवान प्रसन्न होगा क्या? आप सोचो, आप अपने बच्चे का कोई खाना ले लेते हो क्या? पहले आपकी प्राथमिकता होती है कि आपका बच्चा खा ले, उसके बाद माँ बाप खाएंगे।
तो भगवान तो हमारा माता पिता, फिर हम क्यों इस बात को सोचते हैं कि नहीं भगवान नाराज हो जाएगा और भगवान को तो ये मनोती मानी ये तो चढ़ानी पड़ेगी। तो हम अपने कामों को, अपनी राशि को, अपना जो अपने संसाधन है उनको इस रूप में उपयोग करें कि हमारा खुद का और हमारे समाज का भला हो। उसके बाद जब एक काम आगे बढ़ता है, अगर आप एक उदाहरण बनते हो तो फिर दूसरे लोग आपके पास अपने आप आना शुरू करते हैं। ये जो आज ये सामग्री मिली है इसमें आपका भी योगदान था। रेंजर साहब ने आपको क्यों चुना? रेंजर साहब के पास तो 40 गांव है, लेकिन आपको क्यों चुना? क्योंकि आप अपने कर्तव्यों को, अपने जंगल को, अपने वन प्राणी को सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं। उप संचालक एसएन यादव, सहायक संचालक एसके सिन्हा, रेंजर गणेश उइके, इको पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह मेरावी सहित अन्य अधिकारियों और वन विभाग के कर्मचारियों का भी इस कार्यक्रम में सहयोग मिला। वही कार्यक्रम में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के आमंत्रण पर पहुंचे सोमगड्ढा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे और चुकाटोला के सरपंच पति कुंवर सिंह बैगा ने भी यहाँ पहुंचकर इस समाज कार्य में योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में पत्रकार रफी अंसारी ने संस्था के प्रयासों की संक्षेप में जानकारी देते हुए संस्था के संरक्षक IAS मुकेश मेश्राम साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके सानिध्य में हो रहे समाज सेवा के ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो हम लोगों ने ठंडी के दिनों में कंबल है, स्वेटर है, बहुत सारे आइटम जो है बढ़वाते रहे। और COVID-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो साहब का मैसेज आया कि साउथ बैजर और जो लाली क्षेत्र के दुर्गम गांव हैं वहाँ पर न हाट बाजार खुलती है, न दुकान है, वहाँ काफ़ी लोग परेशान होंगे। आप एक काम करिए, संस्था से जो है पूरा राशन खरीदिए। तो महेंद्र मेश्राम साहब के थ्रू जो है हम लोग 18 शुरू किए थे, 18 गांव में उस रहे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके गली क्षेत्र में आया हूँ और आपके रेंजर साहब से, उइके साहब से मेरी एक हफ्ता पहले चर्चा हुई। तीनों ने कहा कि सर बड़ी खुशी होती कि आप आते तो हम लोग सूची बुलवाए और इस गांव का चयन किए। और सर से, एसके सिंह साहब से, क्षेत्र संचालक साहब से मैंने अनुमति मांगी है जाने।